Good morning. Suprabhat. And God bless each and every one of you who listens to this daily meditation. आप में से जो लोग इस प्रतिदिन के मनन को देखते हैं और सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Thursday, we looked into Joel chapter 3, verses 17 to 21. और परसों ही हमने योएल नबी पुस्तक की ओर देखा, उसके तीसरे अध्याय के 17वें पद से 21वें पद तक देखा हमने. And today we will continue the study. और आज हम इस मनन को आगे बढ़ाएंगे. Now in this passage, the prophet is comparing the church to Mount Zion. इस भाग में हम इस बात को समझते हैं कि योएल नबी कलीसिया को सियोन पर्वत से तुलना कर रहा है. In other words, we see God and his relationship with the church. अर्थात परमेश्वर का रिश्ता कलीसिया के साथ. And so let us look into last Sunday we considered the first point from this passage. और परसों हमने इस भाग के पहले हिस्से को हमने देखा. That which was the church is the greatest witness of God. वो ये था कि कलीसिया परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा गवाह है. And today we will look into the next two. और आज हम दो और बातों को देखेंगे. So the second thing is the church is the brightest illustration of God. और दूसरा भाग ये है कि कलीसिया परमेश्वर को सबसे तेज रूप में प्रकट करने वाले या प्रदर्शन करने वाले एक समूह है. The first one, remember, the first thing was church is the greatest witness to God. तो पहला विषय था कलीसिया परमेश्वर का सबसे बड़ा गवाह. And here it is the brightest illustration of God. और अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से कलीसिया परमेश्वर का एक बहुत ही विशाल प्रदर्शन है. एंड सो देयर आर टू पॉइंट हियर. और इसके अंतर्गत दो बिंदु हैं. हाउ डू वी इलस्ट्रेट गॉड एंड स्प्रेड दिस इलस्ट्रेशन. हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रदर्शित करते हैं और इस प्रदर्शन को फैलाते हैं. बाय पब्लिशिंग गॉड्स ओन रेवलेशन. पहली बात, परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाशन को प्रस्तुत करना. हाउ डू वी डू दैट, हाउ डू वी स्प्रेड दैट. और हम उस प्रकाशन को कैसे प्रस्तुत करते हैं. बाय प्रिंटिंग, छापने के द्वारा. ट्रांसलेटिंग इट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने के द्वारा. एंड राइटिंग, और फिर लेखों के द्वारा. एंड दस लेट द वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू टू हैव अ फ्री कोर्स. और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को आजादी से या छूट के साथ wherever it goes, जिधर जिधर भी वो वचन जाए, it will cause the wilderness to blossom, उस मरुस्थल को उपजाऊ जमीन बना दे. And the parched earth to appear in fertility and beauty, और सूखे भूमि को उपजाऊ और सुंदर रीति से बनाए. I want to tell you one illustration, one example, a true example. इस बात को दर्शाने के लिए मैं बताऊंगा. Korean War is very famous. All of us heard sometime or the other in our life. बीते वर्षों में कोरिया, दोनों कोरिया के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके विषय में हम जानते हैं. That after the Second World War. ये दूसरे महायुद्ध या विश्व युद्ध के बाद the communist Russia was battling with the western powers to capture. और जो रूस देश था वो पाश्चात्य देशों के विरुद्ध में युद्ध लड़ रही थी. And so this war, in this war the American troops were fighting with the Allies. So, साम्यवाद रूस ने पाश्चात्य देशों के विरुद्ध में युद्ध लड़ा और इसके कारण जो कोरिया दो भागों में बट गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जिससे कि दक्षिणी कोरिया अमेरिका और पाश्चात्य देशों से जुड़ा और उत्तरी कोरिया
उस जमाने के रूस के साथ जुड़ा हुआ था. एंड आफ्टर द वॉर द ट्रूप्स हु हैड लीविंग कोरिया ऑल टुगेदर. और युद्ध के बाद जितने भी विदेश से सैनिक आए थे युद्ध लड़ने के लिए, वे सब वापस अपने अपने देशों को लौट रहे थे. दिस इज द स्टोरी अबाउट साउथ कोरिया. और जो कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दृष्टांत, वो दक्षिणी कोरिया के विषय में है. देयर वाज वन विलेज वेयर वन ऑफ द ट्रूप्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वर स्टेइंग एंड फाइटिंग द बैटल. दक्षिणी कोरिया के एक छोटे गांव में अमेरिकी सैनिक अपना बेस वहां बनाए हुए थे और वे जब उस गांव को छोड़कर वापस लौट रहे थे. आफ्टर द वॉर एज दे वर लीविंग दैट विलेज the chaplain of that troop had nothing to leave with the villagers, so he called the village chief and presented him a new testament. अमेरिकी सेना के जो पादरी के रूप में सेवा करते हुए एक 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 व्यक्ति थे, वो इस गांव के लोगों के लिए कुछ छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना मिलते हुए उसने फिर उस गांव के प्रधान को बुलाया एंड प्रेजेंटेड टू हिम अ न्यू टेस्टामेंट. और उस प्रधान को नए नियम के एक पुस्तक को दिया. एंड आफ्टर वन ईयर, इस घटना के एक वर्ष बाद, द अमेरिकन स्टार्टेड कमिंग एज मिशनरीज. अमेरिकी मसीहों में से कुछ मिशनरी वहां से निकलकर अलग अलग देशों में जाने लगे. एंड वन ऑफ द मिशनरीज ट्रैवल्ड एंड अराइव्ड एट दिस पर्टिकुलर विलेज. उनमें से एक मिशनरी कोरिया के, दक्षिणी कोरिया के इस गांव में आए. एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड दैट व्हेन ही अराइव्ड द एंटायर विलेज वाज क्रिश्चियन. और वो जब उस गांव में पहुंचा, वो चकित रह गया इस बात को देखकर कि ये पूरा गांव उद्धार पाया हुआ एक मसीही विश्वासी गांव बन गया. दे वर ऑलरेडी क्रिश्चियंस बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइबल. और वो कैसे विश्वासी बने, क्योंकि एक वर्ष पहले उस सेना के पादरी ने इस प्रधान के पास एक नया नियम छोड़ गया. विदाउट एनी क्रिश्चियन बैकग्राउंड, बिना किसी मसीही पृष्ठभूमि के, विदाउट एनी मिशनरी, और बिना किसी पादरी या सेवक के शिक्षा के, विदाउट इवन इवेंजेलिस्ट और इवन अ संडे स्कूल टीचर, और बिना एक सुसमाचार प्रचारक या संडे स्कूल शिक्षक के, द एंटायर विलेज टर्न टू जीसस क्राइस्ट. पूरा का पूरा गांव मसीह यीशु के पास फिर गया. हाउ डिड इट हैपन? ये कैसे हुआ? बाय सिंपली रीडिंग दैट न्यू टेस्टामेंट. द village chief would collect all the villagers compulsorily and he read to them. उस ग्राम के प्रधान ने हर शाम को गांव के लोगों को बुलाया एक जगह और उस छपे हुए नए नियम से वो पढ़ता था. That is the power of God's word. ये है सामर्थ परमेश्वर के वचन का. So I encourage all of you listening to this meditation, make sure that you have New Testaments and always keep some of them in your bag and give it to someone who may not know Christ. इसीलिए आप जो हमें सुन रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने पास हमेशा कुछ नए नियम रखें, ताकि जब आप बाहर जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को आप पाते हैं जो इस बात के लिए खुला हो, आप उनको एक नए नियम दें. And secondly, by imitating his word and its perfection. परमेश्वर के नैतिक सिद्धता का नकल उतारना. द चर्च नॉट ओनली सेज सच बीइंग एज गॉड एक्सिस्ट. कलीसिया केवल इस बात को नहीं बता रही है कि परमेश्वर नाम का एक ऐसी शक्ति या सामर्थ पाई जाती है. द चर्च ऑल्सो से लुक ऑन मी यू विल सी गॉड्स होली कैरेक्टर exhibited. लेकिन कलीसिया इस बात को भी कह रही है कि ऐसे पवित्र परमेश्वर को यदि देखना चाहते हो तो मुझे देखो. That's the way Christians must live. इस प्रकार से मसीहों को अपने जीवन को जीना चाहिए. The unsaved people, they don't read the Bible. जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, वे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं. And in fact, the only Bible they will see and read is You who claim to be Christian. यहाँ तक कि
जो बाइबल वो पढ़ेंगे, केवल एक ही बाइबल हो सकता वो पढ़े, वो कौन सी बाइबल है? आपका जीवन या मेरा जीवन। एंड वी मस्ट देयरफॉर एक्सिबिट गॉड्स होली कैरेक्टर इन आवर लाइफ। इसीलिए हमको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के पवित्र चरित्र को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करें। प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। प्लेटो एक यूनानी शास्त्री था। एंड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स वन सेड, और उसके एक नौकर ने एक समय पे यूं कहा, प्लेटो हैज रिटन अ बुक अगेंस्ट एंगर। दर्शन शास्त्री प्लेटो ने एक ऐसे पुस्तक लिखा है जो क्रोध के विरुद्ध में है। एंड येट ही सेड, द सर्वेंट सेड, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एंग्री मैन। तो भी इस नौकर ने कहा, प्लेटो स्वयं एक बहुत अधिक क्रोध रखने वाला एक व्यक्ति है। सो यू मे राइट अबाउट होलीनेस ऑफ गॉड। हो सकता है आप परमेश्वर के पवित्रता के विषय में बहुत कुछ लिखें। एंड प्रीच अबाउट होलीनेस। या बहुत कुछ आप प्रचार करें। बट कैन द वर्ल्ड सी इट इन यू। लेकिन क्या इस पृथ्वी के लोग आपके अंदर उस पवित्रता को देख सकते हैं? अपोस्टल पॉल कुड से, You imitate me even as I imitate Christ. पौलुस प्रेरित इस बात को कह सकता था कि तुम मेरा नकल उतारो जिस प्रकार से मैं प्रभु यीशु का नकल उतारता हूं। We all must be imitators of Christ. हमको और आपको चाहिए कि हम मसीह के नकल उतारने वाले हों। Okay, now the third thing about the church is, अब कलीसिया के विषय में जो तीसरी बात है, the church is the highest instrument of God. कलीसिया परमेश्वर के हाथ में एक सामर्थी या उचित औजार है। द चर्च इज थॉट ऑफ एन एजेंसी बाय विच द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड इज मेड बेटर इन एवरी रेयम। कलीसिया ऐसी एक साधन है जिससे कि मानव जाति की दशा को हर आयाम में और बेहतर किया जा सकता है। Consider the education, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र को लें, science and health, या विज्ञान या फिर स्वास्थ्य, these things, who promotes this more? ये सारी बातें या इन सारे क्षेत्रों को किसने बढ़ावा दिया? It's a Christian, ये मसीही है, Christian missionaries, मसीही सेवक, Christian missionaries developed most of the Indian languages and made dictionaries. ये मसीही सेवक या मिशनरी ही हैं जिन्होंने हमारे भारत में पाए जाने विभिन्न और अन्य भाषाओं को एक लिखित रूप दिया। What is the effect of the church? कलीसिया का प्रभाव क्या है? The church is an instrument to convert the world, the moral heart of the world. कलीसिया वो साधन है जिससे कि इस दुनिया की नैतिक दिल या नैतिक मन बदल डाले। द कन्वर्शन ऑफ द होल वर्ल्ड इज द ग्रेट नोबल जॉब द लॉर्ड हैज गिवन अस टू डू। इस पूरे संसार के मन परिवर्तन को करने का कार्य परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। आर वी डूइंग इट? तो क्या हम और आप इस कार्य को कर रहे हैं? दैट इज द one and only work that the Lord has given to his church. यही एक मात्र वो कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को दी है। Every church must be involved in bringing people to the knowledge of this almighty God. हर एक कलीसिया को चाहिए कि वो इस पृथ्वी या संसार में पाए जाने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान पहुंचाए। So the church is the greatest witness of God. तो हमने देखा कलीसिया परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी गवाह है। The church also is the greatest revelation of God. साथ में कलीसिया ही परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। And the church is the greatest instrument of God bringing the world to himself. और फिर कलीसिया वो साधन है जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा इस पृथ्वी में एक परिवर्तन लाने पाए। We cannot do it by our strength.
हम इस कार्य को अपने बल से नहीं कर सकते। We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। So I pray with you this morning. इसलिए आज की सुबह मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। If you are a born again spirit-filled believer, यदि आप एक नए जन पाए हुए पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, you shall be further anointed by the Holy Spirit. तो फिर आप और अधिक अभिषेक पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। That you may live such a life for God. That the world will see His holiness and His character. ताकि आप ऐसा जीवन जीने पाए कि संसार के लोग परमेश्वर के पवित्रता को देखने पाए और चरित्र को देखने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Let us take it upon ourselves the responsibility of fulfilling God's commission to us. Go into all the world with this good news. हम अपने आप पर इस जिम्मेदारी को लें, उस महान आदेश को जो परमेश्वर ने दिया, सारे दुनिया में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ ग्रेट डे। आज का दिन एक धन्य दिन है। एंजॉय दिस डे। इस दिन का आनंद उठाएं। मे योर लाइफ शाइन फोर्थ। और होने दे कि आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर की रोशनी चमकने पाए। आमेन, आमेन।